पिछले कई दिनों से यार हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे, और कहीं ना कहीं यार ये अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको पूरा देखने के बाद ये पूरा आपका डाउट क्लियर होने वाला है, जिस पे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया आईसीआर यूजी सीयूईटी में मर्ज हो गया है तो जो हमारा सिलेबस है वो क्या क्लास 12 का रहेगा या क्लास 11 का रहेगा। और कई स्टूडेंट मुझे वीडियोज़ भी शेयर कर रहे थे कि भैया ये देखो ये तो बता रहे हैं कि क्लास 12 का बस सिलेबस आने वाला है, बट उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई ऑथेंटिक उनके पास सोर्स ही नहीं है। लेकिन आपको पता है कि यार आपने स्टूडेंट्स बच को सब्सक्राइब किया है, और पिछले 2020 से यार मैं वीडियो बनाते आ रहा हूँ आईसीआर के रिगार्डिंग। मतलब अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं यार जो इस अभी थर्ड ईयर में है इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि हमारे इस चैनल के थ्रू गए हैं, और आप लोग को जो आप लोग ट्रस्ट हमारे ऊपर दिखाते हो उस चीज़ को यार हम पूरी तरीके से चाहते हैं कि यार उसको हम बनाए रखें। एंड वंस अगेन हम आप लोगों के साथ यार यहाँ पे उपस्थित हैं, एंड जहाँ पे हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2023 का जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है वो आखिर आपको क्या क्या करके जाना पड़ेगा, इसके साथ साथ जो आपका पेपर का पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, वो क्या रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए यार अगर आपने नहीं किया है। और हाँ, कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि भैया आप सीयूटी में कैसे अप्लाई करना है, इस पर आप वीडियो बना दीजिए, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस हुए हैं। यार तो आईसीआर 2023 की एक प्लेलिस्ट है जिसपे यार मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ कवर कर रखा है यार, ठीक है। तो चैनल पे जाकर देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट की, जाइए वहाँ पर भी देख लीजिए। देखो अभी क्या है कि यार काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा कि यार आपका जो एग्ज़ाम है वो सीयूटी में मर्ज हो गया है, एंड आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि अभी फिजिक्स वाला यार रिसेंटली अपना सेकेंड विश्वास दिवस सेलिब्रेट किया है, और इसी के उपलक्ष्य में यार वो ढेर सारे आप लोगों के लिए अमेजिंग ऑफर्स, पैकेजेस एंड बहुत सारी चीज़ें लाए हैं जिससे आप लोग अपनी जर्नी को स्मूथ बना पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छा रैंक ला पाएँ। एंड इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं यार कि फिजिक्स वाला का यार जो प्रवेश सीयूईटी बैच है ये लॉन्च हो गया है। इसी के साथ साथ यार आप लोग को मैं बता दूं कि आपकी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग करने के लिए ये अभी विश्वास दिवस के उपलक्ष्य में इनका एक बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है जिसमें आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। अगर आप मेरा ये जो कोड आपको दिया गया है SB100 अगर आप यूज करते हैं तो आपको उस पर भी एडिशनल ऑफ मिल जाएगा, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया गया है, जाकर आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए कॉम्बो बैच, इंडिविजुअल बैच, बहुत सारे आपको प्रवेश सीयूईटी के अंदर बैचेस मिल जाते हैं। एंड इसके साथ साथ यार आपके जो भी प्रिपरेशन है, लाइक आपको ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, लीगल स्टडीज़ करना है, या फिर हम बात करें साइंस के कोर्सेज चाहिए, मैथ्स के चाहिए, बायोलॉजी के चाहिए, तो ये सारे के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। एंड आपको पता होगा यार कि यार आप प्रिपरेशन तो कर रहे हो, बट अगर आपके पास प्रिपरेशन के लिए बुक्स भी हो तो यार आपकी जो जर्नी होती है और भी स्ट्रांग हो जाती है। तो यार PW स्टोर पे ऐप के अंदर ही यार आपके लिए अलग अलग टाइप का यार आपको बुक्स भी देखने को मिल जाता है, तो आप अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यार आप अपना बुक्स भी वहाँ पे परचेज कर सकते हो। एंड आप हमारा कोड SB100 यूज कर सकते हो जिससे आपको वहाँ पे अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करिए, एंड अभी ये जो ऑफर्स है तुरंत इसको ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है यार वो आपका 10 मार्च होने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पे यार अब हम बात करने वाले हैं कि यार जो अभी आपके सिलेबस है, रिसेंटली अभी मैंने NTA को कॉल किया हुआ था, क्योंकि यार अभी मेल तो मैंने किया हुआ था लेकिन मेल का उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, एंड मैं उनको 3-4 बार कॉल कर चुका हूँ, तब जाके यार मेरा कॉल उनसे कनेक्ट हुआ। एंड मैं आगे आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी पूरा सुना दे रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या सर हमारा जो सिलेबस है वो क्लास 11th एंड 12th दोनों का होगा, तो बिल्कुल हाँ यार, उन्होंने क्लियरली यहाँ पे बोला है, मैं आगे आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी ऐड करके सुना दे रहा हूँ, कि आपका जो सिलेबस है CUET UG में ICAR UG के लिए, ठीक है, बस उन्होंने बोला कि यार ये एग्ज़ाम अब CUET के थ्रू हो रहा है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है जो पहले होता था, जो NTA करवाता था स्पेसिफिक अपने थ्रू, ठीक है, तो वो आपका सिलेबस 11-12 क्लास 11-12 जो आपका पहले था वही आपका सिलेबस सेम टू सेम रहने वाला है। सेकंड थिंग इज दैट कि यार आप में से काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि भैया CUET में मर्ज हो गया है, और आपको पता भी होगा यार कि CUET का तो सिलेबस क्लास 12 वाला जो है बस वही है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें,
मूर्ख नहीं बने, स्मार्ट बनिए। आप लोग इस चीज़ को कन्फर्म खुद से भी चाहो तो कर सकते हो, हालांकि आई नो कि आप लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, बट फिर भी यार किसी बच्चे को अगर संदेह है तो जाकर NTA के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके खुद भी कन्फर्म कर सकता है। तो आपका जो पैटर्न है एग्जाम पैटर्न, लाइक आपके 150 क्वेश्चंस आते थे, 3 अगर आप सब्जेक्ट चूज करते हैं तभी, ठीक है, 150 क्वेश्चंस ही आते हैं, 50-50 आपके ईच सब्जेक्ट से, लाइक PCB है, PCM है, ABC है, ठीक है। तो वो जो आपका सिलेबस है ना यार, और आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो 150 क्वेश्चंस एंड क्लास 11-12 दोनों का जो सिलेबस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है फाइल्स में, आपको पीछे मिल जाएगा, मतलब हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख लेना फाइल्स वाले में, स्टूडेंट्स बच पे सिंपली सर्च करना है, तो वही आपका सिलेबस 11-12 का दोनों होने वाला है। तो अब यार ये नहीं रहना है अपने मन में डाउट्स कि यार हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है और हमारा जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, ठीक। अभी रिसेंटली ICR UG का एग्जाम CUET में मर्ज हुआ है, UG में, तो सर अभी नोटिस आया था, बट अभी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है ICR UG का सर, उसमें आपका सिलेबस नहीं मेंशन है क्लियरली, एंड वहां पे ICR का जो एग्जाम पैटर्न जो पहले NTA कंडक्ट करवाता था ICR का एग्जाम, उसमें अलग उसका था, लाइक 150 क्वेश्चंस आते थे 50-50 ईच सब्जेक्ट से, जो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हुआ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हुआ। तो अभी क्या जो सिलेबस है उस टाइम पे 11-12 दोनों आता था, बट अभी ये CUET में मर्ज हो गया है, और CUET का जो मेजर लाइक सिलेबस है अदर कोर्सेस के लिए उसमें क्लास 12 का केवल मेंशन है। तो जो ICR UG का एग्जाम होगा इसमें इस साल से केवल ICR UG का जो एग्जाम होगा तो क्या केवल क्लास 12 का ही आएगा सिलेबस या फिर 11 का भी आएगा? और दूसरा जो क्वेश्चन है कि पेपर का जो पैटर्न है जो प्रीवियस वाला पैटर्न था वही रहेगा या फिर उसमें कोई चेंजेस होगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई क्लेरिफिकेशन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में नहीं है न ही नोटिस में बताया गया। तो सर इसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए था, दोनों के रिगार्डिंग, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। ओके ओके जी, ठीक है सर, आप कुछ समय के लिए क्या मैं आपकी कॉल होल्ड कर सकता हूँ? यस सर, श्योर। ओके, हेलो। हेलो, यस सर। जी सर, सर जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ सर, जो है आपका सिलेबस शो ऑफ हो रहा है सर? सिलेबस सर ICR UG का 11-12 दोनों रहेगा जैसे पिछले इयर्स में रहता था या फिर बस केवल क्लास 12 का ही आएगा? नहीं, क्लास 12 का ही आएगा, जैसे कि यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है सिलेबस फॉर क्लास 12 एग्रीकल्चर ICR। सर तो वही मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि क्या सर जो सिलेबस है केवल अब 11th वाला पोर्शन जो पहले आता था वो अब नहीं आएगा ना? सर जो पहले आता था जैसा वैसा ही है, केवल जो है NTA के द्वारा CUET आपका एग्जाम केवल कंडक्ट करवा रहा है, बाकी ICR का जो PG और PhD का है वो अभी भी उन्हीं के पास है, केवल हाँ, वो तो सर मुझे पता है कि PG और PhD का NTA ही करवाएगा जैसे पहले था, लेकिन CUET में UG का मर्ज हुआ है, तो सर मुझे ये जानना है, ये कंफर्म करना है कि जो सर सिलेबस है 11-12 का, क्योंकि ICR के लिए क्लास 11-12 दोनों का सिलेबस है, जबकि CUET जो अदर कोर्सेज है उसमें क्लास 12 का सिलेबस है, तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या क्लास 12 का बस आएगा या फिर 11-12 दोनों आएगा ICR UG में? सर जो पहले आ रहा था वैसे ही आएगा सर, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, केवल एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है सर। और सर जो एग्जाम का पैटर्न था जैसे 150 क्वेश्चंस आते थे 3 सब्जेक्ट जो भी चूज होता था उसके 50-50 करके, तो वो भी सेम वही रहेगा ना? हाँ, अभी तो ऐसी यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है कि चेंज किया गया सिलेबस या पैटर्न को, जो जैसा था वैसा ही सेम रखा गया, केवल कंडक्ट ये करवा रहा है, ठीक है सर। ऐसी कोई अपडेट नहीं, पैटर्न चेंज किया जा रहा है या जो है सिलेबस चेंज किया जा रहा है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर आर यू श्योर ना कि क्लास 11-12 दोनों का आएगा ना? सर मेक श्योर, अभी कोई उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट नहीं है कि चेंज होगा, तो 8% सर सेम एज सेम ही रहेगा सर, नो इश्यू सर। और 150 क्वेश्चंस भी आएंगे आपके वही? सर जैसा कि यहाँ पे अभी कोई अपडेट नहीं है, अगर यहाँ पे कोई अपडेट हो जाता है तब मैं आपको जरूर अपडेट कर देता कि हाँ सिलेबस चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, जब यहाँ पे कोई अभी अपडेट अवेलेबल नहीं हो पा रही तो सर जैसा है वैसा ही सेम एज सेम रहेगा अभी तो। ओके सर, मीन्स क्लास 11th एंड 12th दोनों का आएगा जी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो गाइज, आप लोगों को अब एक क्लियरली चीज पता चल गया होगा कि यार उन्होंने बोला है क्लियरली कि कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, अगर कुछ ऐसा रहता तो वहां पे चेंज होकर आ जाता, तो आपका जब चेंज नहीं हुआ है तो आपका जो प्रीवियस सिलेबस था जो पैटर्न है आपका सेम वही फॉलो होगा, बस आपका एग्जाम CUET में मर्ज हो गया है, CUET के थ्रू ही होगा। आई होप कि अब आप लोग को पूरा अपना चीज पता चल गया होगा, आपने वीडियो ऑडियो सब कुछ सुन भी लिया है,
ठीक है, तो आप अपना जो प्रिपरेशन है क्लास 11 12 दोनों का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे अभी के लिए। इट मे बी कि आगे कुछ ऐसा अगर नोटिस उन्होंने रिलीज करते हैं तो वो हो सकता है, बट फिलहाल के लिए जो उन्होंने बोला है हमें उस चीज़ को फॉलो करना है।